नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसका अध्याय 6 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के रचयिता कवि नागार्जुन हैं। तो पहले हम इनके बारे में इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन का जो जन्म है वो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को होता है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी शुरुआती जो शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए थे। 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका गए और वहीं इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 2 साल प्रवास के बाद में 1938 को ये स्वदेश लौटे थे। घुमक्कड़ी और अखड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। 1998 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। नागार्जुन की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। इनका संपूर्ण कृतित्व जो है वो नागार्जुन रत्नावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। अब हम इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका जो उपनाम है वो बाबा ढक्कन और इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से ये अपनी रचनाएं रचते थे। मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाथ पर इनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक भी माना जाता है। इनका जो पहला उपन्यास था रतिनाथ की चाची वो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चित्रा कविता संग्रह से मैथिली में नवीन भावबोध का इन्होंने सूत्रपात किया था। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। यात्री के नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर माने जाते हैं, इसलिए इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर
के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों और साहित्य की दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि माने जाते हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुख्य छंद में भी इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इस अध्याय में इनकी दो कविताएं संकलित हैं, एक का नाम है एक दंतुरिन मुस्कान और दूसरी है फसल। एक दंतुरिन मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की जो मनिहारी मुस्कान है, मनोहारी जो मुस्कान होती है, उसको देखकर कवि के मन में जो भाव मरते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से इन्होंने प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। इस दंतुरिन मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे इन्होंने अपनी कविता में बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में ये सब बताया है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती हैं। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। कविता का अध्ययन करने से पहले हम इनके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। दंतुरिन का अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत। धूली धूसर गात का अर्थ होता है धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग। जल जात का अर्थ होता है कमल का फूल। एनिमेस होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इत्र का अर्थ होता है दूसरा। मधुपर्क होता है दही घी शहद जल और दूध का योग। इन सभी का मिश्रण मधुपर्क होता है जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग तो इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चों को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कंखे का अर्थ होता है तिरछी नज़रों से देखना। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। अब हम शुरू करते हैं एक दंतुरित मुस्कान कविता। तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी, मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि नागार्जुन कहते हैं कि जो एक छोटा बच्चा है उसके जो नए दांत अभी निकलने शुरू हुए हैं उसकी मनमोहक जो मुस्कान है उसको देखकर कवि के मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं और वो उनको व्यक्त कर रहे हैं। कवि अपने छोटे से बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे व्यक्ति में भी जान डाल सकती है, अर्थात मरे हुए को भी ये जिंदा कर सकती है।
तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आगे वो कहते हैं कि अपनी धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर कि धूल मिट्टी से तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। कभी आगे कहते हैं कि वह तालाब जिसमें तुम अब तक रह रहे थे वह शायद कठोर पत्थर का बना होगा जो शायद तुम्हारे प्राणों के स्पर्श मात्र से पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात उस छोटे से बच्चे को स्पर्श मात्र भर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। छू गया आगे छू गया तुमसे की झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे एनिमेश थक गए हो आँख लो मैं फिर। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारी यह निश्चल जो मुस्कान है इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे छू लेने भर से ही बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात यदि कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देख लेता है या तुम्हारा स्पर्श पा लेता है तो वो भी मुस्कुरा उठता है, उसके मन में भी खुशियों का संचार होने लगता है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देख रहा है इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहा है और बिना पलके झुकाए लगातार उन्हें देखे जा रहा है, क्योंकि बालक जन्म से माता के पास ही रहा तो उसने अपने पिता को पहली बार देखा। इसलिए कवि अपने बच्चे से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो जो तुम मुझे इस तरह बिना पलक झपकाए देखते जा रहे हो। अगर तुम मुझे लगातार इस तरह देखते देखते थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, यानी अपनी आंखें दूसरी तरफ मैं कर लेता हूँ। आगे क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं ने सत्ता देख मैं ने पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरी मुस्कान धन्य है तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। इसमें इसके माध्यम से कवि कहता है, कवि नागार्जुन कहते हैं चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बच्चा जो है वो लगातार मेरी तरफ देख रहा है और उन्हें पहचानने वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि पहली बार की मुलाकात में हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हो पा रही है, बल्कि मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया या तुम्हें देख पाया। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए
कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता। इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। इसलिए अतः तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध रहा ही नहीं है, यानी तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए तुम लगातार मेरी तरफ देख रहे हो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते हुए इधर कंखी मार, होती और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जब बच्चे के नए नए दांत निकलने लगते हैं तो उस वक्त वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल लेना चाहता है। माँ के गोद में बैठकर बच्चा माँ की उंगलियों को चूस रहा है या चाट रहा है, उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे माँ की उंगलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है। बच्चा यह सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नज़रों से अपने पिता यानी कवि को देख रहा है, जिसे देखकर कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जब भी तुम तिरछी नज़रों से मुझको देखते हो, फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं तो तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही अधिक मनमोहक लगती है। दूसरी कविता है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो इसके माध्यम से कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में दिखाई देने लगता और फिर वही बादल बरस कर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। तो इसके माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से वो कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर किसान की फसल पैदा हो पाती है। हजारों खेतों पर दुनिया भर के हजारों किसान दिन रात मेहनत करते रहते हैं और अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद, पानी और जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो उनको देते हैं, तब जाकर कई फसल खेतों में लहलहाती है। तो इसके माध्यम से वो कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम होती है ये फसल, अर्थात करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत से ये फसल उगती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित
करती हैं, यानी मिट्टी से मिलने वाले ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो इस मिट्टी में होने ज़रूरी हैं। अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण होने आवश्यक हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं। आगे है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संतली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ उनको उचित समय पर पानी की भी आवश्यकता होती है, और इसी के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसलें उत्पन्न होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधों को बढ़ाने के लिए सूरज की किरणें वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ये पौधे मिट्टी से ज़रूरी पोषक प्राप्त करते हैं। इसलिए कवि प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है। इसी प्रश्न का जवाब देते हुए वे कहते हैं कि करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना असंभव होता है। भूरी काली व खुशबूदार मिट्टी, यानी ये मिट्टी के प्रकार हैं। इनमें मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित हो जाती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का नाम दिया है। तो ये कविता समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।